पीपल, सो गाइस क्या हाल चल, आज के फिर से माइनक्राफ्ट अनदर के मतलब माइनक्राफ्ट के अनदर एपिसोड में गाइस, जहां पे आज हम लोग फिर से खेल रहे माइनक्राफ्ट मैजिक ब्लॉक यानी मैजिक ऑन ब्लॉक। तो गाइस ये वाला लिंक ना इस बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इसका लिंक दे दो यार, लिंक दे दो। देखो गाइस इसका लिंक दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, एक दो तीन दिन में अपलोड हो जाएगा डिस्कॉर्ड पे लिंक, तो प्लीज ज्वाइन करो और मजा करो। ओके तो गाइस सबसे पहले आज हमको करना क्या, आज हमको सबसे पहले बनाने एक चीज था जिसका नाम है कुछ प्रो बोल के कुछ नाम है, यस ये वाला प्रो प्रेटरी ऐसा कुछ नाम था, प्रो सेबेटरी, जो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के सीड बना सकते हैं। मतलब जितने भी सारे रिसोर्सेज का हम लोग सीड बनाएंगे ना आने वाले टाइम पे, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऑन ब्लॉक है तो इसमें ज़्यादा हमको ये सब नहीं मिलेगा, तो इसका सबसे पहले हमको मेन इसको जुगाड़ करना है कैसे भी हो। तो इसका जुगाड़ एक ही तरीके हो सकते हैं, देखो गाइस इसमें ना है, अरे क्या गा तो इसमें एक तो ना है कोई भी माइनिंग वॉल्ड, ना है कुछ भी, देखो तो माइनिंग वॉल्ड नहीं है। ओ गाइस आप लोग मैप में एक चीज़ देख पा रहे हो ना, यस मुझे पता होगा आप लोग देख पा रहे हो, देखो ओ तो गाइस इसका कुछ मैंने किडनी का लाला किडनी बोल रहा मैंने क्या बोला होगा। तो गाइस मैंने कुछ ऐसा इसको डिज़ाइन किया है, पूरा बेस को ऐसा मैंने डिज़ाइन किया, मुझे नहीं पता कैसे बनाऊंगा अभी, देखो पूरा ऐसा डिज़ाइन किया। अभी मुझे एक प्लान है कि जो मैंने गोल ये तो गोल नहीं कुछ किडनी लाल में बाइक, ओके तो इससे ऊपर और भी जाएंगे, जाके सेम डिज़ाइन होंगे बट थोड़ा सा बड़ा अमाउंट पे या सेम अमाउंट मतलब सेम साइज में थोड़ा सा बड़ा और भी करेंगे। अरे मेरा 20 किधर, किसके अंदर से, अरे यार ये भी भाग गया, अरे यार 20 के अंदर से भाग गया, अरे यार ये बड़ा दिक्कत हो गया गाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइस मैंने आपके मैंने थोड़ा सा बी फार्म किए थे, अभी मैं आपको बताऊंगा गाइस ये जो प्रो सेपरेटरी जो भी है मेरे से प्रोनाउंस नहीं होते, तो इसका हमको बी कैसे बनाना है। तो इसका बी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए होगा कुछ क्वार्ट्ज ब्लॉक, जो मैंने क्वार्ट्ज नेस सॉरी क्वार्ट्ज ब्लॉक नहीं क्वार्ट नेस चाहिए, जो इसके अंदर से गाइस क्रिस्टलाइज बीज निकालते हैं। देखो इसको सबसे पहले बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक क्वार्ट्ज और एक क्या बोलते क्वार्ट्ज ओर, और आपको वो अरे इसको क्या बोलते गाइस आपको चाहिए होगा एक सिंपली खतरनाक वाली चीज है। ओके तो सबसे पहले गाइस आपको चाहिए कुछ हनी ट्री, हनी ट्री कैसे मतलब मैं दिखा देता हूँ, एच ओ एनी वाई एंड आपको बनाएगा हनी ट्रीट है तो ना। ओके ये बहुत सिंपल, आपको चाहिए पोलन पफ जो मैंने ऑलरेडी फार्म कर चुका हूँ इधर से, हमारा पोलन पफ बहुत सारा आ चुका था, और इससे एक जस्ट एक बना लो, एक बनाने के बाद अब जस्ट इसमें आपके पास प्रोजेक्ट ये है ना, इसके अंदर हम लोगों ने इसको कॉन्वर्ट कर लिए थे, कॉन्वर्ट कर लिए थे हनी ट्रेड पे। तो अभी ये हनी ट्रेड को कॉन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे ना बहुत से ग्लासेस चाहिए यार, आई थिंक ग्लास है क्या ग्लास, ओके मैंने इधर प्लेस नहीं किया बट इधर मुझे प्लेस करना चाहिए था, बट ठीक है कोई ना इसको इग्नोर मारो। तो ओके भाई ग्रास शार्ड मिल गया मुझे, तो ये हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा फार्म तो है अब कह सकते हो, थोड़ा सा वो सब बीस की हम लोग मतलब वो सब रिसोर्सेज के हम लोग बी बनाने वाले, बाकी के बी नहीं बाकी के जो आपको पता है इधर सीड आता है वो सीड बना लेंगे ठीक है, क्योंकि वो सीड बहुत आसान होता है, बी बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगता है इसको प्रोग्रेशन वगैरह करने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो सब मैं थोड़ा सा झेलूँ, तो इसलिए। तो अभी सबसे पहले हमको चाहिए कुछ डोर, हाँ मैंने डोर नहीं बना के रखा था ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लैंक ओके ये रहा प्लैंक, चलो ये बन गया थैंक यू। और भाई 63 डोर्स, आर यू सीरियस लॉल गाइस, मैंने 63 डोर्स बना लिए, ओके नेवर माइंड। चलो तो अभी इसके अंदर गाइस आपको क्या रखना पड़ता है, इसके अंदर आपको रखना एक ये वाले नेदर क्वार्ट्ज नेस्ट मतलब क्वार्ट्ज नेस्ट, फिर आपको हनी ट्रीट्स को राइट क्लिक करना है। ओके तो नेस्ट इज एम्प्टी, यूज हनी ट्रीट टू अट्रैक्ट ए बी। इधर बकेट किधर गया गाइस, बकेट रहा ये अभी एच ओ एन हनी बोतल, तो ऐसे तो बन रहा था ना तभी। ओके गाइस ये बन गया हनी बकेट, नाइस भाई मैं वही सोचा हनी बकेट बन क्यों नहीं रहा। चलो अभी सबसे पहले हमको बनाना क्या, अभी हमको बनाना ये वाले हनी जनरेटर, तो ये गाइस हम लोगों ने बना लिया हनी जनरेटर, तो हनी जनरेटर के साथ थोड़ा सा काम करने भाई, इतने सारे मशीन वगैरह हो जाएगा ना भाई दिमाग खराब हो जाएगा अभी। चलो तो सबसे पहले लगाते थे हनी जनरेटर एंड इसको ना पावर देने के लिए हमको चाहिए हनी बोतल, जो मेरे पास बहुत सारे होएंगे क्योंकि यार मेरे पास ये चीज़ है। चलो तो हनी बोतल्स ले लिया मैंने, ओके हनी बोतल्स के बाद अभी हमको क्या चाहिए पता है, और ये हमारे बनने वाले हमारे इंक्यूबेटर, थैंक यू ये इंक्यूबेटर है, तो इस इंक्यूबेटर को आपको हमेशा इसके पास में लगाना पड़ेगा, और इसको पावर देने के लिए आपको इसके अंदर हनी बोतल भरना पड़ेगा जिससे ये पावर जनरेट करता है। यस तो ये पावर जनरेट करते हैं हनी बोतल से, तो बहुत ही आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा, इसके बाद हमको चाहिए कुछ एग, आई थिंक एग मैंने इसका ना एग प्लीज़ ओके तो ये रहा हमारा एग भाई, कुछ भाई अभी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बन गया क्योंकि मेरे पास जो अंडा था ना यार जो बीस थे वो ओके तो गाइस इसके अंदर अंडा ओके ओके तो पावरफुल आ चुके हैं, तो अभी मुझे इसको हैच करना है।
तो ऐसे हैच होता है ना, प्लीज़ बताना कि इसको ऐसे हैच होता है। अब पावर भी आ चुका है हमारा, ये भी काम कर अच्छी तरीके से एंड ओके। ये हैच नहीं हो रहा है सीरियसली बीज गाइस, ये हैच नहीं हो रहा है यार। ये देखो इसके अंदर मैं डाला है 100 ट्री। ओके मुझे नहीं पता जीन सैंपल क्या है, बट ये काम नहीं कर रहे। बट कोई ना यार, फिर इसको इग्नोर मारते जब तक काम करेगा कि नहीं करेगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा हनी ट्रीट यूज़ करते। हनी ट्रीट किधर गया? हनी ट्रीट वर आर यू? हमको नीदर जाना पड़ेगा गाइस इसके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इधर कोई काम नहीं कर रहे हमारी नीदर क्वाड्स वाले। तो अभी नीदर जाके देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्सिडियन था तो मैंने इसको मल्टीपल कर लिया। हमारे जो चीज़ है ना गाइस, उससे मल्टीपल हो जाता है। ओए ये क्या हो गया? तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे करते एंड फिर ऐसे कर सकते हम लोग। ओके ओ गाइस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट इसको बी निकालते इधर से एंड प्लीज़ बी आ जाना मेरे साथ। इसको मैं ऐसे पकड़ के ले जाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। मुझे ऐसा फील आ रहा है इसको पकड़ के मैं बेस जा सकता हूँ क्या? प्लीज़ बता, इसको पकड़ के बेस जा सकता हूँ प्लीज़। ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा इसको पकड़ के। आगे आगे गाइस आ गया, मैं बेस आ गया अभी इस। ओए भाई मैं अभी गिरने वाला था नीचे। ओके इसके अंदर गाइस बीज है। तो इसको और जो 100 ट्रीट दो एंड ये डन एंड 1 2 3। हेलो अभी इस एम्प्टी, हेलो इसको छोड़ो फटाफट करके हम लोग इसका काम खत्म करते हैं और निकालते हैं इससे। तो गाइस फाइनली हमारा जो क्रिस्टलाइन बी है वो आ चुका है एंड अभी इसके अंदर गाइस मुझे इधर एक ब्लॉक लगाना है, प्रोसिबिटरी ब्लॉक, जिससे ये क्या होगा ना, कॉन्वर्ट हो जाएगा मेरा जो हमारा जो क्रिस्टलाइन बी है ये इधर कॉन्वर्ट हो जाएगा प्रोसिबिटरी बीज में। उसके बाद गाइस इसका हम लोग काम करेंगे। ओके तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कॉन्वर्ट होने के लिए, बट ठीक है। देख तो गाइस देखो धीरे धीरे इसके पास जाएगा आई थिंक। अरे भाई जाना यार, क्या कर रहे हैं? ओके ये हो गया और ये ओके नाइस। चलो तो कुछ फ्लावर वगैरह भी मैंने उगा दिए, अभी देखते हैं कब तक ये चेंज होता है। ओके सो गाइस अभी समझ आया मुझे करना क्या। तो इसके ऊपर इसको राइट क्लिक करना होता है बीज को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। मैं आधा घंटे से खड़ा हुआ बी कन्वर्ट हो क्यों नहीं रहा, तो अभी मुझे नॉलेज है नहीं भैया। ये तो बड़ा ही हेलो अगर बड़ ओ ये लोग क्या कर रहे हैं यार ये सब चीज़ें, हेलो मुझे नहीं पता। ओ भाई साहब घुमाड़ मत करो। तो अभी हम लोगों ने इसको लगाने ये वाले मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर लगा रहे, तो ये तो अभी इनके आई थिंक ये लोग इसके अंदर जाएंगे एंड जो प्रोसिबिटरी ओर से वो इस हेलो इधर और एक बी था ना मेरा, 4 बी थे ना। हेलो तुम किधर जा रहे हो बीज? अरे बीज मैं सुबह का दही हो जाता नहीं तो। ये रहा बी केस, तो ये तुम जाओ बीज के अंदर और तुमको भी पकड़ता हूँ और तुम भी जाओ इसके अंदर। चलो तो तुम लोग अपने काम करो। ओके नेस्ट कब? ओके गाइस नेस्ट आई थिंक कम हो रहा है, मैं और एक एडवांस नेस्ट बना के लेकर आता हूँ क्योंकि 4 बीज है मेरे पास। तो ओके तो एडवांस ए डी सॉरी ए डी वी ओके ओके एडवांस बैम्बू भी। ओके ये क्या है, ये मेरे पास कब से आया था? ओके इसका नहीं पता, आई थिंक रैंडम जनरेटर से मुझे मिला होगा, बट अच्छा होगा तो अच्छी बात है। प्लीज़ ये अच्छा होना सबसे। ओ नहीं यार सेम ही है, मुझे लगा अच्छा होगा बट कोई ना, इसको भी मैं कर देता हूँ वैसे ही। चलो ये मैंने डाल दिया अंदर, अभी इसके अंदर 20 जाएंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है। हेलो 20 क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ गाइस देखो पूरा सिप्टरी कॉम भाई, फाइनली यस गाइस फाइनली इसका इनफिनाइट रिसोर्सेज में बना पाया फाइनली। हो रहे भाई मजा आएगा। ओके गाइस मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है मैं इसको इनफिनाइट वाला बना पाया, क्योंकि ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सारे आने वाला टाइम पे सीड हम लोग क्राफ्ट करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो इसका मैंने काम कर दिया खत्म। यस पूरा कब खत्म भाई। अभी नेक्स्ट क्रैशर की तरफ देखते हैं। क्रैशर बनाने के लिए बहुत आइटम चाहिए जो ऑलरेडी मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, आधा आज भी इकट्ठा किया मैंने। जैसे कि देखो आज मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम लोगों ने बनाया सैंड, ओके देखो एक सैंड पेपर और जो क्वाड्स है ओके ये वाला क्वाड्स जो ये जो रोज क्वाड्स है जिससे बनते हैं हमारा पॉलिश रोज क्वाड्स, ये कैसे बना मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। हमको चाहिए क्रैशर, देखो क्रैशर के लिए हमको चाहिए होता ये वाला मशीन जिसके लिए होगा मैकेनिकल क्राफ्टर, और इसके लिए हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन ट्यूब जो बनते हैं पॉलिश रोज, और पॉलिश रोज बनता है हमारे सैंड पेपर से, सैंड पेपर में ये रोज क्वाड घिस के बनता है तो ये अच्छा। और इसका ऑटोमेटिक वाला बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा ये वाला, इसके लिए एंशियंट ये सब तो है, और इसके लिए हमको चाहिए होगा ब्रेस हैंड जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कैसे हम लोग कल इसको फार्म करेंगे, कैसे हमको ब्रेस हैंड बनाने, तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है मैं इसको कैसे बनाऊंगा, क्योंकि यस ये मुझे लिटरली नॉलेज नहीं है। ये ब्रेस नगेट्स में कहाँ से लेके आऊँगा, ये बनेगा कैसे, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। ओके तो इसके लिए हमको चाहोगा ब्लेस ब्लेस बर्नर जो अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, तो भूल जाओ। तो नहीं तो हमको एलाई क्लीन बना के
हम कॉपर और जिंक को जोड़ के मैं बना सकता हूँ, कॉपर भी हो गया मेरे पास, कॉपर ओके, तो मेरे पास कॉपर है, जिंक जिंक ओके, कॉपर और जिंक दोनों ही है मेरे पास, तो इसका कुछ जुगाड़ करेंगे यार, क्योंकि बहुत खतरनाक सिस्टम है इसका, तो जुगाड़ कर लेंगे, सामान वगैरह तो इकट्ठा किया हुआ है, तो देखते जुगाड़ क्या सीन है। और 20 ओके भाई बहुत खतरनाक है। तो देखो इसको करना क्या पड़ता है आपको, इसको ऑफहैंड में पकड़ के इसको राइट क्लिक करना पड़ता है, तो ये हम लोग एक्चुअली खाने का जैसे दिखाते हैं, बट ये पॉलिश हो जाता है, तो हाँ यस थोड़ा सा ये समझ लो गाइस, थोड़ा सा पेचीदा है, बट ठीक है। अरे ओके ओके, आयरन है ना मेरे पास, आयरन नाइस, तो ये हम लोग बना लेते हैं फटाक्स करके, थैंक यू। तब इसको पता नहीं कैसे काम करेगा, ये आई थिंक मैनुअल वाला है, तो मैनुअल वाला कैसे काम करेगा मुझे आइडिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक वाला तो बना नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत खतरनाक काम है, तो ये मैंने ओके ये मैनुअल इलेक्ट्रिक वाला आई थिंक फास्ट होता, ओके ये फास्ट नहीं है बट ठीक है जो भी है। और इसके अंदर से हम लोग बोतल भर से, ओहो गाइस ये देखो, अरे भाई साहब ये मतलब इसको रिफाइन कर रहा है, इसके अंदर से ओवर निकल रहा है रिफाइन करके, भाई क्या खतरनाक चीज़ है, देखो इसको रिफाइन कर रहे पूरा है, देखो इसको रिफाइन कर रहे हैं, रिफाइन करके निकलेंगे, चलो देखते तब तक ओके ओ बहुत चार और मिल गया, और भी चार मिल गया, अरे भाई मजा आएगा ना बड़ू, चलो और भी मैंने डाल दिया, अरे भाई देखो जितना डालो उतना दिख रहा है इधर, नाइस। और गाइस एक चीज़ मुझे पता नहीं पड़ा ये काम नहीं क्यों नहीं कर रहा, गाइस आपको पता है तो कॉमेंट करके जरूर बतवा, नहीं तो मार पड़ेगा तुमको। ओके तो ये हो जाओ, तो 20 बनाना मुझे आ चुका है, अभी कैसे 20 बनाना होता है बहुत ही आसान है गाइस, जैसे नेस्ट चाहिए नेस्ट को 100 से राइट क्लिक कर दो, कोई भी नेस्ट, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा गाइस कोई भी नेस्ट हो, तो आपको एक स्वॉर्ड चाहिए जस्ट एक, ओके चलो ये बन गया हमारे कर्स डॉट, बन जाएगा इजीली, चलो ये बन गया हमारे कर्स डॉट, और ये रख दो इस तरह, फिर इसको हटाओ, अभी कर्स डॉट के साथ हम लोग अभी इस बना लेंगे हमारे नेस्ट, तो ये गाइस बन गया नेस्ट, यस अभी जो नेस्ट है ना, नेस्ट को सिंपली इधर आपको रखने, कहीं पे भी आप लोग नेक्स्ट रख दो, जैसे कि मैं इधर रख रहा हूँ नेस्ट, ओके इधर रखता हूँ, अभी इसको हमको हनी ट्रेट देना है, सो हनी ट्रेट, अरे क्या लिख रहा हूँ हनी दे दो भाई, 100 तो 100 से क्या होगा गाइस, बी अट्रैक्ट होंगे, देखो बी आने स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो इतना खतरनाक बीज आएंगे ना इसमें गाइस, ये नॉर्मल वाला बीज आता है इसमें, इसमें स्पेशल बीज नहीं आएगा, और ये ओवरऑल पे काम करेगा, तो आप इजिली इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसके अंदर से भी हमको निकलेंगे बीज, ओके तो ये हमारा ओ हलो 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 हलो, वाह 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 गाइस ये तो चला गया यार, ओके मुझे केस के अंदर करना चाहिए था बट कोई ना ठीक है, तो ये रिफाइन हो चुका है आई थिंक, तो फाइनली गाइस प्रोसेप्टिक सार्ड, ओ यस, और ये हमारा हनी जो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हनी को, जैसे कि हमको कुछ बोतल, ओ भाई कितने सारे रिसोर्सेज दे रहा है गाइस, देखो उफ भाई मजा आने वाला है अभी, ओके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आई थिंक सो, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं आई थिंक कुछ कुछ लगाना पड़ता है बोतल, ओके ओके कुछ तो होगा जिससे हम लोग हनी जो है इसको लिक्विड के थ्रू निकाल सकते हैं, कुछ तो होगा बाद में देखते हैं गाइस, इतना भी मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में, अगर पाँच भाई भाई कितने सारे आ चुके हैं भाई, कितने सारे इन्फोनाइट भाई मजा आएगा, अरे सॉरी क्या डाल दिया ये डालो, चलो सो गाइस एक काम करते हैं आज के इतना रखते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया इसके चक्कर में बहुत सारे, बट हम लोगों ने फाइनली इसको इन्फोनाइट तो बना लिया, ये अभी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग टारगेट है क्रैशर बनाना, तो गाइस क्रैशर से हम लोग डुप्लीकेट कर पाएंगे सामान, मतलब एक टाइप का डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उससे हम लोग एक काम करेंगे, उससे हम लोग बहुत EMC कमा सकते हैं, वो सब बाद में ट्राई कर लेंगे, ओके सो चले गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मत भूलो, चलिए बाय टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट में गाइस, बाय 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 बाय।